नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। गुजरात में पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। पंजाब में 1 जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त, मान सरकार ने पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि पंजाब में आपने मुफ्त बिजली का अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया है, क्योंकि वह अन्य पार्टियों की तरह झूठे वादे नहीं करती है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अगले अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों संग मुठभेड़, एक जवान हुआ शहीद। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 70 नए मरीज सामने आए। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 975 नए मामले सामने आए, वहीं 4 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के वित्त मंत्री बोले, युद्ध की वजह से 30-50% गिर जाएगी अर्थव्यवस्था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।